निर्विघ्नो
संजदायो भवन्ति मानम मध्या जितनी भी संगत खड़ी है हाथ जोड़ के विनती है, बहुत सारा पंडाल खाली पड़ा है, आप कृपया महामाई के दरबार में बैठ के हाथ दे दें। Thank you.
सदा वाली माता थोड़ी सदा ही जय सर्व मंगल सा हले बोली सत्य दरबार की सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वानत साधिके शरणैत्री अम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते। जय करा शेरा वालिदा बोलो सच्चे दरबार की जय। ओ मेरी माता दा लंगर वीर कदों कर आवेगा मेरी माता दा लंगर वीर कदों कर आवेगा शेरा वालिदा लंगर वीर कदों कर तेरे चरण चढ़ाइया हवन तेरे चरण चढ़ाइया चरण चढ़ाइया माता रानी दे दरबार च अज चनैनी दी करीब करीब मीरा दा हर घरे दा हर मैंबर आई है साड़ियां खासकर मती संख्या साड़ियां माता भैणां छोटे बच्चे युवा साथी और साढ़े इत्थे दे बजुर्ग इस माता रानी दे दरबार च आई है माता रानी दे अग्गे हल जलाने ला करदे न और ये मौका असीं गी सभने गी मौका विजय जी उर्फ पिट्टू जी ने दिता है जिहड़े साढ़े बड़े भरा न और इन्हें तुसीं दस्सिया कि काफ़ी पुराना साढ़ा इंदे कन्नै परिवारिक नाता भी है और काफ़ी
अरसे कोला काफी सालों कोला इंदी तरफे दा असें हर तरीके का सहयोग साथ समर्थन मिलता रहा हा। तो हूँ वोटें के रूप पहले इं मिलता हा तो हम वोटें रूप च मिले। तो मैं एक बार भी सारी संगत जी माता के दरबार च आई रही है क्योंकि रिजल्ट के बाद खासकर जी माता भैन कने और बाकी युवा साथियों कने उस दिन शामी की मुलाकात हुई लेकिन लेट होने की वजह कने साड़िया जड़िया माता भैन थोड़े कने मुलाकात नहीं हुई। तो रिजल्ट के बाद पहली बार थोड़े कने मुलाकात होने मुलाकात करने का मौका मिलया। तो मैं थोड़ा सभने का दिल की गहराइया कने धन्यवाद करना शुक्रिया करना कि जरा तुम्हें अपना सहयोग अपना साथ अपना आशीर्वाद और अपना प्यार जड़ा है अपने छोटे भरा की अपने घर के एक सदस्य समझिए घर का एक मैंबर समझिए अपने परिवार का एक मैंबर समझिए दिता है। ये मैं थोड़ा हमेशा हमेशा ऋणी हाँ हमेशा हमेशा मैं थोड़ा धनवादी हाँ कि तुम्हें जिस तरीके कने भी अपना आशीर्वाद देई है तो एक जिम्मेदारी दिती है। तो मैं माता रानी के दरबार च ये आखना चाहना कि अस कोशिश करिए कि उसी जिम्मेदारी की पूरे तरीके कने अस नभाचै ताकि आने वाले समय च तुसी लगे कि जेड़ा तुसें अपना एक जिम्मेदार साथी एक जगह पर भेजा है वो अपनी जिम्मेदारी कुतै कोताही नहीं की है। ये मैं भरोसा तुसी सारे की दवाना चाहना है क्योंकि शनिवार का दिन होंगे जरा मैं घट बोलने की कोशिश करना कि शनिवार का वर्त मेरा थोड़ा सख्त वर्त हों पानी पर वर्त हों इस वर्त पर अगर कोई गल आखड़ी तो पूरी नहीं हो भी अस बड़े बड़े गुनाहगार हो इस कोशिश करने होंने कि इस दिन मतिया गल नहीं करचै मतिया गल जल करने किसी ना किसी मुँह चा उल्ट सीधे निकल ही जाता तो वह भी पूरा करना मुश्किल हो जाता। तो तकरीबन इस कंपेन के दौरान जो बड़े टफ एरियाज है जिते कंपेन करने का पैदल लगातार चार चार घंटे जाने का मौका मिलता था वो लगातार शनिवार के दिन का मौका आता हाँ। तो मैं उन्हें आता कौन थोड़े तो वादा की करा तो वादा करगा तो पूरा नहीं करा था फिर गुना हो गया बड़ा व्डा। तो अच भी चर्चा करचै अज तो सिर्फ और सिर्फ माता रानी के दरबार च क्योंकि राजनीतिक मंच अलग हों और अस खुली गल कर सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा आभार व्यक्त करना और कन्ने गै मैं तुसी सारे आखना चाहना कि मेरा क्योंकि मेरा इतने जोड़ा नाता है जोड़ा पिछले थोड़े दिन तक महीना डेढ़ गै आख सकते हैं लेकिन मेरी जीवनी पर थोड़ा जहा मैं थोड़े ने चर्चा करना चाहना कि मैं अपने धर्म के प्रति बड़ा कमिटेड हाँ और इं मैं अपने समाज के प्रति बड़ा कमिटेड हाँ और इं मैं पार्टी के प्रति पूरा कमिटेड हाँ और कमिटमेंट जी करनी तो 101% करनी। और मैं युवा साथियों की थान आखना चाहना कि जिसले भी अस कोई काम करने जाने उसी 100% दिने 100% दिने कोई दुनिया की ताकत है ही नहीं है कि तुम फेल कर सकती है तुम वो कामयाब नहीं हो सकते पॉसीबल के नहीं है पर उसी 100% देना पाता है 100% 100% जल्द भी कुछ कमी अस 100% दिने तो साड़ी कामयाबी साढ़े कदमे च होती है और 100% 100% का मतलब है कि थोड़े सिरे की चोटी को लेकर पैर के अंगूठे तक थोड़ा पूरा शरीर उस चीज़ में काम करना चाहिए है। तुसें हम पिछले दिन जो कंपेन का देखा लगभग 27 दिन का समय मिलया और मैंने आखा कि मैं कल का हाँ लेकिन पूरी टीम वर्क हा पूरा टीम वर्क हा लेकिन जो टीम लीडर है जल्द कमजोर होंगे ना तो टीम ऑटोमैटिकली कमजोर होंगी है। जल्द फौज का कमांडर जो कन्फ्यूज है कि वह सोचता कि ये युद्ध करना नहीं करना युद्ध अगे बदना नहीं बदना तो फौज तो ऐटोमैटिकली थोड़ी वीक होनी है फौज तो ऐटोमैटिकली कन्फ्यूज होनी है। तो कमांडर थोड़ा बड़ा मजबूत चाहिए है कमांडर थोड़ा सख्त चाहिए और कमिटेड चाहिए है। जल्द कमांडर कमिटेड होगा थोड़ी फौज कमिटेड होनी होनी तो अस 27 दिनों वो काम करिश्मा करिए दस जो 3-4 साल जो करी नहीं सके जो लोग वो 27 दिन करिए दसिया वह कारण आ कि साड़ी और साड़ी टीम की 101% कमिटमेंट ही इतने का असं लैसन सीखना चाहिए युवा जो साढ़े स्कूल पढ़ाते हैं स्टूडेंट स्कूल चा निकले थे कई बार अस हताश हो कई बार अस हैंडसअप करी लें कई बार अस सरेंडर कर लें कि नहीं मैं जिंदगी कुछ नहीं कर सकता कोई आदमी कुछ समय पर कुछ भी कर सकता है कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है कि जल्द आदमी कमिटमेंट कर लगे उस चीज की रोकी लै कोई रोकी ही नहीं सकता है बेशक अगर थोड़ी जी है कमिटमेंट थोड़ा जोड़ा जरा काम करने का तरीका और जल्द तुम कोई प्लान लेइए चलो 100% लेइए चलो। मैं तुम्हें अपनी निकी जी एग्जाम्पल देना चाहना कि जिसल मैं 2010-14 का चुनाव आ रही तो मी बड़ा अफसोस होया लेकिन नैचुरली जो कोई भी हारता जो फेलियर होता तो अफसोस होता पर मैं 2-3 दिनों बाद सीधा होया और मैं सोचा कि परमात्मा ने शायद कोई और अच्छी चीज रखी थी नहीं मेरे तो जिसलै मैं चुनाव आ रहा 14 तो उस टाइम मैं अपनी फिजिकली गल दसा कि मैं एक यूरिक एसिड की टेबल लैंदा थायराइड की टेबल लैंदा बीपी की टेबल लैंदा
और त्रै चार किस्म दियां टिक्कियां लैंदा हुंदा अपने आप दी फिट रखने आस्तै। आर रहमा थोड़ा जा समय मिलिया तो श्री श्री रविशंकर जी दी संस्था साढ़े उधमपुर चलदी है, तो आर्ट ऑफ लिविंग दा नाम पर उसी जानदे आ, ते उत्थे ना मिगी सादा आया कि तुस साढ़ा कैंप लगा दा, साढ़े कैंप च आओ। तो मैं कैंप च गया, तो मैं अठवीं तक मैं ग्रां च पढ़े दा, अठवीं तक साढ़ी स्कूलिंग ही, ते ग्रां दी स्कूलिंग ही, ते टाटे पर पौंदे हे। अठवीं दे बाद नौवीं च आई हाई सकैंडरी बॉयज उधमपुर, ते डेस्क पर पढ़ना शुरू कीता। दसवीं होई, ग्यारहवीं निक्के मुट्टे लीडर बनी है, ओह्दे बाद भुंजे बौने का मौका ही नहीं मिलिया। तो मैं तुसें दसांगा 2014 तक मी भुंजे बौने कुछ दो मिनट अगर मैं बेही नहीं सकदा। तो आर्ट ऑफ लिविंग च गया, हारने का फायदा क्या होया, जीती ना तो इस तरह टिक्कियां चार दी जगह अठवीं दियां, हारी है तो फायदा क्या होया कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग गई है, तो मैं थोड़ा योगा दी आर्ट ऑफ लिविंग दी वजह कन्नै योग दी प्रैक्टिस कीती, और उस योग दी प्रैक्टिस इस लेवल पर हुई कि अज दी डेट में कोई किसी किस्म दी दवाई नहीं लैंदा है। 101% पूरा फिजिकली फिट हां। थायराइड दी टेबलेट कोई दुनिया दा डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता कि तुस थायराइड दी टेबलेट लैंदे और तुसें बंद करनी है। 101% मेरा थायराइड बैलेंस रहिंदा है, मेरा बीपी बैलेंस रहिंदा है। वो किहदे कन्नै रहिंदा है कि लूज कीती इलेक्शन लूज कीती मेरे कोल समय आया। तो अस कोई भी चीज जेल्लै नेगेटिव लेई जन्ने कि मेरे कन्नै परमात्मा, मेरे कन्नै की होया, परमात्मा जो करदा थुआढ़े कन्नै ठीक करदा, लेकिन अस अपने हिसाब से सोचने कि परमात्मा मेरे हिसाब कन्नै नहीं कीता है। तो इस आस्तै मैं तुसें आखना चाहना कि अज योग की वजह कन्नै अज मीं कुइयां तुस दो त्रै चार घंटे कुसै भी आसन च बौह्ने आगे ते बेही सकने आ। तो एह्दा केह् होया कि जेल्लै लूज कीती उस पासे गया, उस पासे गया, योग कीता, योग कीता, अपने आप गी स्वस्थ रखिया। तो स्वास्थ्य जेल्लै थोड़ा लीडर, थोड़ा डॉक्टर, थोड़ा जेहड़ा सोसाइटी, थोड़ा परिवार दा अड्डा कोई स्वास्थ्य नहीं है, तो तुसी थोड़ी केह् सेवा कर सकदा। तो फिजिकली 101% फिट आं अस, कोई किसी किस्म की कोई शरीर के तौर पर कोई तंगी नहीं है। तो मैं तुसी एह् गल आखा दा कि जेहड़ा कमिटमेंट, जेहड़ी मैं तुसी आखा दा कि जेहड़ा धर्म दे प्रति कमिटमेंट है कि जिसलै मैं विधायक बनया, ओह्दे बाद असें साडे मन च भाव आया कि कोई अस कोई चीज कंट्रीब्यूट करचै अपने अपने विधानसभा क्षेत्र आस्तै। तो तुस दिखदे कि जेल्लै तुस उधमपुर दे देवका जंदे न, एक शिव जी दी मूर्ति दा निर्माण कार्य कीता, और उसलै उस मूर्ति दा निर्माण कार्य कीता तां दो बंगले बनाई सकदे, लेकिन अज भी मैं किराए दा मकान चलाउणा और मूर्ति दा शिव जी दा थड़ा बनाना साडा इक मन च भाव आ, उसी बनाया। तो एह धर्म दे प्रति साडी कमिटमेंट है, और जेहड़ी समाज दे प्रति कमिटमेंट है। तो तुस सवेरे दिखदे हो कि पिछले लगभग 5 साल दा सवेरे 5:30 बजे हॉस्पिटल जाइए, तो उत्थे लोकें दी सेवा च अज रोने। जिसलै इलेक्शन दा रिजल्ट आया उस दिन, दूए दिन भी उत्थे मेरे जिस दिन वोट पाने, उस दिन भी मेरी वाइफ ने श्वेता ने आख्या कि अज ते वोट पाने, कम से कम उस पासे ध्यान दो, कोई फोन चार्ज कर लाओ। मैं आख्या पहला मंदिर इत्थे मत्था टेकिए, जाके ते कथा नहीं होई सकदी है, पिछे नहीं रही सकते। उस दिन भी अपनी कमिटमेंट के मुताबिक उत्थे गया। तो मेरा मैं आखना मतलब कि धर्म के प्रति अपनी कमिटमेंट है, अपने समाज के प्रति कमिटमेंट है, और जिस पार्टी च शामिल हो पिछले 2 साल पहले, और अज मैं तुसी आखना चाहना सारे चनैनी घोड़ी दे, खैर चनैनी दे के ना सारे साथी, अज तुसी सारे कोला बड़ी खुशखबरी देना चाहना कि अज असी सवेरे सवेरे जेल्लै सुते दे उठे, तो थोड़ा सारे का अभिनंदन, थोड़ा सारे का शुक्रिया अमित शाह जी ने किया। जेल्लै टेलीफोन आया कि अस दिल्ली का फोन आया कि अमित शाह जी गल करना चाहते हैं, तो मैं फोन चुकया, कहता मेरी तरफा अपने सारे विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों की मुबारक दी, तो तुसें असंभव कार्य करिए रखा कि जो शायद पॉसिबल नहीं है। जिस दिन मेरी टिकट अनाउंस हुई, तो जी सी आई डी के बाकी रिपोर्ट आई, तो उसके 30% अस 70% दूसरी पार्टी, लेकिन 27 दिन की इस दौड़ चौर इस मजबूत जरा थोड़ा सारे का सहयोग साथ समर्थन रहा, 27 दिन की दौड़ च तुस 70 च पुजिए, तो दुए 30 च पुजिए इस वास्तव। और जम्मू कश्मीर के अंदर तुस चौथे नंबर पर, फर्स्ट, सैकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर 47,990 वोट लेई है। चनैनी का नाम जरा है जम्मू कश्मीर गै नहीं, बल्कि मोदी जी के दफ्तर भी चर्चा च आया और अमित शाह जी के दफ्तर भी चर्चा आया। तो यह सारा संभव कार्य तुसें इन्हें 27 दिनों च किया, क्योंकि सारे की कमिटमेंट ही, और सारे का एक पूरा एक टारगेट फिक्स आ कि इसी टारगेट की असें अचीव करना। तो इस वास्ते तुम सारे अमित शाह जी की तरफा जी बधाई आई दी है, मुबारक आई दी है, उसी भी कबूल करो। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेंदे, मैं तुम सारे की खासकर जी सड़िया माता भैन बजुर्ग आए थे, एक मैं थोड़े कन्नै साझा करते थोड़े को इजाजत लेगा कि एक चीज अक्सर जरा है इंसान जरा दुख से सुख साढ़े मन च की आता है कि अस जिन्हें भी लोग हैं ना, अस हमेशा यह सोचने कि परमात्मा, जिसलै मैं तुसें आखिया कि मैं इलेक्शन हारी आ, तो मैं आखना कि यह मेरे फलाने वर्कर ने काम नहीं किया, फलाने नहीं किया, उसने नहीं ठीक किया, ओकड़े पास नहीं ठीक किया, ओकड़े पूरे तरीके ने कमिटेड काम नहीं किया, मैं जीती है जिल्लै, तो मैं आखना कि मैं बड़ा जबरदस्त जरा अच्छा वक्ता है, बड़ा अच्छा स्पीकर हाँ, मैं अच्छा मेहनती आदमी है, इस वास्तव मैं जीती है। जल्द जीती है तो मैं क्रेडिट कुछ नहीं देना, जल्द हारी है तो डिसक्रेडिट सारे देना। इे सारी जिंदगी का सारा कोरेक्स है, सारी जिंदगी जीवनी का जरा लास्ट जरा है ना, इे कि सारा जीवन अस
दुख ते सुख साढ़ा के पा दे चंगी कीती ते मैं कीती माड़ी कीती ते मेरे गुआंढी ने कीती मेरी मां ने कीती मेरे बापू ने कीती मेरे दोस्त ने कीती उहदा कारण की है कि जिसलै अस परमात्मा कन्ने लगन नहीं लाते हैं ना अस तो उस वास्ते अस ओन करने कि चंगा कीता मैं कीता ते नहीं कीता ते डिसओन करने आ ते जिसलै परमात्मा कन्ने लगन लाने माता रानी दे चरणे च लगन लाने ते चंगा भी परमात्मा दे अर्पण लाइट च है ते बुरा भी परमात्मा दे अर्पण लाइट च है ते साडे जिंदगी दा जिहड़ा कष्ट है जिहड़ी परेशानी है दुख है उह असीं रौंदा कि नहीं है और अस जिन्हें भी धर्में की मन्ने अस अस अगर सिख धर्म की गल करचै हिंदू धर्म की गल करचै इस्लाम की गल करचै अगर अस क्रिश्चन की गल करचै जिन्हें साढ़े गुरु हुए जिन्हें अस भगवान मन्ने अस राम भगवान साढ़े कृष्ण भगवान क्या सोचो हाँ कोई दिन ऐसा है राम भगवान की जिंदगी जिस दिन उन्हें कष्ट नहीं आ कोई दिन ऐसा है कि राम भगवान ही मस्ती करने सही है कि आज कोई चक्कर नहीं आज टेंशन फ्री है मैं आज मस्ती करने मखमली गद्दे पर सही हूँ कोई दिन उनके जीवन का ऐसा नहीं है जिस दिन उन्हें नवा संकट नहीं आ नवा चैलेंज नहीं आ नवा मुकाबला नहीं आ कृष्ण भगवान की जीवनी पर दिखो हाँ कोई दिन कृष्ण भगवान की जीवन चाह कि जिस दिन उन्हें नवा चैलेंज नहीं आ अगर गुरु नानक देव की जीवनी पर दिखा कि उनके जीवन च कोई ऐसा दिन नहीं आ कि जिस दिन उन्हें नवा चैलेंज नहीं आ राम भगवान कृष्ण भगवान मिगी सुख दे वह आपू सुख च नहीं तो असें सुख उनके को मंगने जाना और सुख कोई चीज नहीं है सुख भी तो साढ़े दिमाग च एक फिक्स चीज है कि मैं अज इसी सौगा का बड़ा सुख आई दिन है अज पक्खा ही सौगा मेरा बड़ा कष्ट वाला दिन है एक माइंड च फिक्स गल है कि सुख की है दुख की है कोई सुख दुख नहीं है कोई है दुनिया च ऐश लोग चर्चा करते कि ऐसी जिंदगी कि ऐसी जिंदगी क्या होंगे ऐसी जिंदगी थोड़ा तुम जाइए ऐसी जिंदगी बड़ा फाइव स्टार होटल च रोटी खा